महाराष्ट्र में भीषण हादसा, दो जगहों पर हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में आज सुबह सुबह दो भीषण अपघात हुए हैं। महाराष्ट्र के बीड नगर हाईवे पर दो हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पहली घटना में एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरे हादसे में मुंबई जा रही बस पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पहला हादसा बुधवार रात करीब 11:30 बजे आष्टी धामन गांव से अहमदनगर के रास्ते में हुआ। यहां बीड नगर स्टेट हाईवे पर दौलावडा गांव के पास सुबह 6 बजे मुंबई जा रही बस पलट गई। इससे 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर जामखेड़े और आष्टी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरा हादसा आष्टी तालुका की अंभोरा सीमा में दौलावड गांव शिवरात में हुआ। यहां रात मंदिर के पास करीब 11:30 बजे एक ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस ड्राइवर 35 वर्षीय भरत सीताराम लोखंडे, मनोज पंगू तिरपुरे, पप्पू पंगू तिरखंडे और की मौत हो गई। वहीं 35 वर्षीय डॉक्टर राजेश बाबा साहेब जिंजुरके ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं ज्ञानदेव सूर्यभान घुमरे गंभीर रूप से घायल है, उन्हें मौके पर मैक केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कर्नाटक में भी एक भीषण दुर्घटना हुई है, जहां कर्नाटक में खड़े टैंकर से एक एसयूवी टकरा गई और 12 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र में दो अलग अलग भीषण एक्सीडेंट्स में कुल 10 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। 10 लोगों की मौत इन हादसों में हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जान गंवाने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम हिदायतें और तमाम ट्रैफिक रूल्स के बावजूद भी इस सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई आ रही बस पलट गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। दो भीषण अलग अलग दुर्घटना के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पहली घटना में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई। वहीं दूसरे हादसे में मुंबई जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। एम्बुलेंस जिसमें पहले से मरीज भर्ती था, जो अस्पताल जा रहे थे, इस मन में ये आस लिए कि वो ठीक हो जाएंगे और वापस अपने घर लौटेंगे, लेकिन एम्बुलेंस के ट्रक के टकराने से ऐसी दुर्घटना घटी कि कोई नहीं बच पाया। एम्बुलेंस के ट्रक से टकराने से ऐसी घटना घटी कि सभी की मौत हो गई और मुंबई जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ इस घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल पूरी जांच की जा रही है, लेकिन एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की संख्या 10 है। कई लोग अभी भी घायल है, जिनका